आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है कांटे की टक्कर का चुनाव है? जहां लाडली बहन आपके लिए वोट ला रही है वहीं सोयाबीन आपको वोट गवा सकता है? नहीं, क्या आपको लगता है मराठा आरक्षण भी एक चैलेंज है? जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, एक है तो सेफ है। उद्धव ठाकरे जी, उनका कहना है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं कांग्रेस के वोट बैंक। मुख्यमंत्री कौन? आपके यहाँ एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री इस समय है। सवाल उठेगा कि कौन वो चेहरा है? हेलो एंड वेलकम टू दिस इंडिया टुडे स्पेशल। नमस्कार ऑन महाराष्ट्र माझा वंस अगेन। आपल्या बरोबर आहेत, विथ मी इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे। नमस्कार। नमस्कार शिंदे जी। पिछले 10 दिन में हम करीब 28 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के घूमे, तो पूरा महाराष्ट्र का एक तस्वीर मिला, इसलिए हम आपके पास अब आ गए हैं ये जानने के लिए कि क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है कांटे की टक्कर का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये टफ फाइट है और ये एक तरह से अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कॉन्फिडेंटली कौन जीतेगा महाराष्ट्र? मैं कहता हूं हम जीतेंगे महाराष्ट्र हमारे काम के बलबूते पर। मेरा खुला चैलेंज है विपक्ष को, 2.5 साल में आपने कितने काम किए बताओ, कितने काम पर रोक लगा दिए बताओ, कितने काम को रोक दिया, कितने काम पर स्टे दिया ये बताओ, हमने कितने काम शुरू किए, कितनी योजनाएं शुरू की ये हम बताते। होने दो दूध का दूध पानी का पानी। पर सर, एक तरह से यही बात मैंने आपसे सुनी थी लोकसभा टाइम पे, और तब लोकसभा में क्या हुआ, विपक्ष को 31 सीटें आई, एक इंडिपेंडेंट और आपको 17। क्या फर्क हुआ है 4 महीने पहले मई के महीने में और अब नवंबर के महीने में 4-5 महीनों बाद, क्या फर्क पड़ा? क्या फेक नैरेटिव बार बार चलता है? कौन सा फेक नैरेटिव? संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, मुसलमानों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, आदिवासियों को डरावा, शेड्यूल कास्ट को डराया, ये क्या है? ये अब ये चुनाव जो है स्टेट इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दे है, लोकल इश्यू पे लड़ाया जाता है, आपके नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। अभी हम टीम बनकर लड़ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं फेक नैरेटिव उनका था, फेक नैरेटिव था जो चला मई के महीने में, संविधान खतरे में है, आप कह रहे हैं वो नैरेटिव नहीं है। अब इस बार नए नैरेटिव आएंगे। एक नैरेटिव आया जो आपने शुरू किया, लाडकी बहन, जिसका हम मैंने देखा है महाराष्ट्र में, वो नैरेटिव है। नैरेटिव योजना चालू, योजना आपकी, योजना एक ही नहीं कई योजनाएं की, पर उसके बारे में बहुत बात होती है जहां भी हम गए। अच्छा है। उसके बाद चर्चा तो है, चर्चा में ये भी देखा कई महिलाओं ने कहा बहुत अच्छा है, और आपके बारे में कहा कि शिंदे जी की ये योजना है, शिंदे जी की योजना, लेकिन इसके साथ साथ कहा देखिए महंगाई बहुत बड़ी है, देखिए कीमतें बहुत बड़ी है, तेल का के डिब्बे की प्राइस बड़ी है, तो महिला ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी बड़ी है, लाडकी बहन भी अच्छी है। क्या कहीं ना कहीं आप अभी भी समझते हैं लाडकी बहन गेम चेंजर है कि नहीं? देखिए सिर्फ लाडली बहन नहीं है, इसमें लाडले भाई भी है हमारे। आज तक मुझे बताओ कि सरकार में, इस राज्य में किसी के खाते में पैसे डायरेक्ट डीबीटी हुए थे? ये आर्थिक उनको हमने आजादी दी है, आज उनको मांगने की जरूरत नहीं है, और विपक्ष ने उनको पूरे बदनाम कर दिया। ये योजना चुनावी जुमला है, लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज अप्रेंटिसशिप, आज 2 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है,
जुमला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे आप लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीद रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है। ये एक तरह से आपने महिलाओं को खरीद, उनके वोट खरीदने के लिए ये स्कीम की, और चुनाव के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। वही तो कहते हैं, ये कांग्रेस नहीं है, ये एमवीए नहीं है, ये चलेगी स्कीम, ये कर्नाटक को नहीं है, ये तेलंगाना हिमाचल में ऐसे ही फंसाया, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने एक बार फंसाया था, बिजली बिल माफ करेंगे, बाद में सरकार में आ गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हम ये योजना जो है चुनाव को सामने रख के नहीं ली है, हमारी सरकार का फायदा लोगों को होना चाहिए, आम आदमी के जीवन में बदलाव होना चाहिए, इसलिए हमने किया है। मुख्यमंत्री जी, मैं जब घूम रहा था मैंने देखा खासकर कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ मुद्दे उठे हैं। सोयाबीन का जो दाम है वो एक बड़ा मुद्दा है, कृषि क्षेत्र में कई इलाकों में हमने देखा कि किसान जो है वो नाखुश है, उसको लगता है उसको अपना दाम नहीं मिलता है। क्या आप मानते हैं इस चुनाव में रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में जहां मराठा आरक्षण एक फैक्टर है? देखिए, किसान को हमारे जितने सहयोग और मदद आज तक के किसी सरकार ने की, मैं खुद ही किसान का बेटा हूं, किसान की दुख दर्द को जानता हूं मैं। बट किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं इस राज्य में, और इसीलिए तो नहीं आत्महत्या होनी चाहिए, इसलिए 12,000 रुपए सालाना हमने दिए, 6,000 प्रधानमंत्री, 6,000 राज्य सरकार, 1 रुपए में पीक बीमा योजना दे दी, क्रॉप इंश्योरेंस दिया है। आज हमने कहा है कि जो पंप खेती करते हैं उनकी बिजली को बिल माफ करेंगे। आज हमने 2 साल में 15,000 करोड़ रुपया इनको मुआवजा दिया है, 45,000 करोड़ रुपया इनकी अन्य स्कीम जो है उनमें हम खर्च किया है। आज आपने कहा कि सोयाबीन में और कपास को 5,000 रुपये हेक्टर का हमने दिया है गैप भर के, और अभी आपको बताता हूँ कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोयाबीन और कपास, ये बड़ा लेट कह दिया उन्होंने कि सोयाबीन और कपास के लिए हम दाम देंगे, अब 6,000 रुपए देंगे गैप फिल करेंगे, हम गैप फिल करेंगे, थोड़ा लेट नहीं हुआ इस पर? क्या आपको लगता है ये आपके सामने, जहां लाडली बहन आपके लिए वोट ला रही है वहीं सोयाबीन आपको वोट गवा सकता है? नहीं होगा ऐसा। मराठा आरक्षण, मराठवाड़ा में क्या आप मानते हैं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा में केवल 1 सीट जीते थे आप मराठवाड़ा में, पूरा मराठवाड़ा मराठा आरक्षण जरांगे पाटिल के दम पर विपक्ष के साथ गया था, क्या आपको लगता है मराठा आरक्षण भी एक चैलेंज है? मराठा समाज को आरक्षण देना, उनको सुविधा देना, हमारी भूमिका सरकार की जो पहले से एक ही रही है, हमने कहा मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे लेकिन ओबीसी या किसी अन्य समाज का कम करके नहीं देंगे, हमने वो करके दिखाया, विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल असेंबली ले ली और हमने 10% उनको आरक्षण दिया। तो आप नहीं समझते ये फैक्टर अब है, जरांगे पाटिल फैक्टर नहीं है? बिल्कुल, अभी उनको पता है देने वाले हम है और नहीं देने वाले विपक्ष है, जिनको देने का मौका था तभी उन्होंने नहीं दिया, मराठा समाज को सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, सत्ता में आए इतने साल लेकिन मराठा समाज को वंचित रखा है। हमने दिया, देवेंद्र जी ने भी दिया और हाईकोर्ट में उसे प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई तो रिजेक्ट हो गया। मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे, ये कहा जाता है कि जरांगे पाटिल के पीछे एकनाथ शिंदे है, एकनाथ शिंदे ने ये मुद्दा उठाया था मराठा आरक्षण का अपने आप को मजबूत करने के लिए कि मैं एक मराठा नेता हूं। आपने किसको, आपको किसने कहा? ये चर्चा है, देखिए ये सब चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे सभी समाज को लेके आगे जाना है, ये मेरा वो मेरा नहीं है, ऐसा नहीं चलता। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको सभी समाज को लेकर आगे जाना है, आपने ये भी कहा कि ये चुनाव आपके काम पे आप लड़ना चाहते हैं। उस बीच में एक नैरेटिव आ जाती है जिसके बारे में भी जिक्र अब हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और इससे क्या हो रहा है, आप ही के सहयोगी अजीत पवार कह रहे हैं ये गलत है, आप ही के सहयोगी अशोक चव्हाण कह रहे हैं इसकी कोई जगह महाराष्ट्र में नहीं है इस तरह की बातचीत की, बटोगे तो कटोगे, पंकजा मुंडे ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे
जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वही योगी आदित्यनाथ यहां आकर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये कहने में कोई गलत है? नहीं, सेफ किसकी डर का अब आप डर फैला रहे हैं? नहीं नहीं, आज सेफ किसके बारे में? आज हम देश में कहीं पर भी जाते हैं तो हमें सुरक्षित महसूस करते हैं, तो महाराष्ट्र सुरक्षित है ना, तो फिर एक है तो सेफ है करने कहने की क्या जरूरत है? यानी आप कहीं ना कहीं टारगेट किसी को कर नहीं, रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो फेक नैरेटिव में, हम जो विपक्ष के फेक नैरेटिव में उनको सफलता मिली, अभी हम वो सफलता उनको नहीं मिलेगी, इसीलिए एक होकर वो एकजुट होकर वोट करो, क्या तकलीफ है? हमने कहा एकजुट होकर कौन वोट करे, हिंदू वोट बैंक की राजनीति है, हिंदू वोट बैंक की राजनीति है, परसेंटेज बढ़ाना वो तो सबका काम है, ये हिंदू क्यों इसमें हम क्या कह रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, क्योंकि उसी उसी के साथ आप ही के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात करते हैं तो, और कहते हैं धर्म युद्ध, वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध, कहीं ना कहीं क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है जिससे आपके स्कीम्स पर बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही इस समय जितनी इस, जो लोगों को स्कीम का फायदा मिला है जी वो ले रहे हैं, वो जरूर इस चुनाव में हमारे साथ है, क्योंकि हम अब फिर एक बार बताता हूं कि ये चुनाव को सामने रखकर हमने कोई स्कीम नहीं की है, हमने तो जैसे जैसे तो फिर आपने दो साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बने तब आप लाड़की बहन ला सकते थे, आपने लाया लोकसभा चुनाव के हार के बाद, नहीं उसमें तो लेख लाड़की लखपति योजना लाई, किसानों की योजना लाई, पढ़ाई की योजना लाई, कई योजनाएं पहले लाई हमने, ये तो शुरुआत कर दी, ये सिलसिला जारी है, तो इसको तो प्रिपरेशन, ये पैसे की बात है, हम ऐसे बोलने वाले इनमें नहीं, एक बार चुनाव हो जाए हमारा काम खत्म, नहीं ये कहा जा रहा है आप लोग ये स्कीम पूरा परमानेंट चालू, परमानेंट स्कीम है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपका जो डेट है 7 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, कहां से पैसे आएंगे? हमारे पास काम भी तो उतने है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना है, इंडस्ट्री भी आ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जीएसटी भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, और हमने कोई भी गाइडलाइन का वॉयलेशन नहीं किया है, जो जीडीपी से 25% के अंदर लोन है हम 17.5 है, एफआरबीए में 3 से नीचे, यह इंटरेस्टिंग आप ये कह रहे हैं, कोई वॉयलेशन नहीं किया, आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वही मैं उद्धव ठाकरे से बात कर रहा था, उद्धव ठाकरे जी उनका कहना है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे हैं, उनका कहना है उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट किया और कहा कि एक तरह से महाराष्ट्र के साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात को प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को आने चाहिए वो वहां जा रहे हैं, टाटा एयरबस से लेकर वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया, डायमंड बोर्स का जिक्र किया, कहा ये सब गुजरात जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में आने चाहिए, ये सब झूठ है, ये भी फेक नैरेटिव है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, झूठ बोलना दबा के बोलना, आज वेदांता तब हमारे सरकार को 2 ही महीने हुए थे, पहले वही लोग थे, उनसे कंटाल के चले गए, उनको पता है कि इनके पास से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, उनको क्या मालूम था, आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, वही तो है, वो कह रहे उनकी वजह से प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, वो कह रहे आपकी वजह से, अरे 2 महीने में, वो कह रहे अमित शाह नरेंद्र मोदी के दबाव में आके ये प्रोजेक्ट, 2 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट कोई इंडस्ट्री यहाँ से वहां जाती है, उसको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और आज मैं बताता हूं उनके 2.5 साल में कितने उद्योग यहाँ आए और हमारे 2 साल में कितने आए, मैं गिनाता हूं, आप कंपैरिजन के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है उनके 2.5 साल में कोविड था इसलिए कोविड किया है, सर, और अगर वो रहते तो भी कोविड चलते रहता था, नहीं नहीं सर, आप और कोविड के पीछे चुप कर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग आपने ये जो बात की, क्योंकि जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया बड़ा पर्सनल हुआ एक तरह से, उन्होंने कहा कि आप एकनाथ शिंदे को पूछिए कि जब वो रैली करते हैं वो बाला साहेब ठाकरे का क्यों तस्वीर लगाते हैं, उनके खुद के पिताजी की तस्वीर लगाए, उन्होंने मेरी पार्टी चुराई है, मेरे पिताजी की तस्वीर वो लगा रहे, वो तस्वीर हटाकर एकनाथ शिंदे को कहिए उनके पिताजी की तस्वीर चुराने का, बाला साहेब ठाकरे जी इस राज्य के, जैसे हम आज बड़े जो हमारे महापुरुष होते हैं जी, हमारी आइडियोलॉजी है ये, उनकी
उनके पिताजी है, लेकिन विचारधारा हमने ली उनकी, उन्होंने विचारधारा को त्याग दिया, कांग्रेस के साथ गए। वो तो असली गुनहगार है, जो भाई साहब ठाकरे कहते थे ये कांग्रेस को कभी साथ नहीं जाना, ये मेरे पार्टी के कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए वाला सब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया। आप उनको गद्दार कह रहे हैं, वो अब तक आपको गद्दार कह रहे थे, आप कह रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व से गद्दारी की। तो मैं बोलूं ना, आप कह रहे हैं ये नहीं कहूं, नहीं ये आपका अधिकार है। अरे उन्होंने अपने खुद के गिरेबान में जाकर देखना है, जो मैंडेट जनता ने महाराष्ट्र के दिया शिवसेना बीजेपी को, वो मैंडेट को तोड़ दिया, उसको भरोसे को तोड़ दिया, उनसे बेईमानी की, विश्वासघात किया, और कुर्सी के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए। बाबा साहब ठाकरे जी के विचार को आज उनको नाम लेने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि विचारधारा को ही त्याग दिया। सर करीब 50 ऐसी सीटें हैं जहां बैटल आप और उनके बीच में है, और लोकसभा में भी हमने देखा था करीब 13 ऐसी सीटें थी डायरेक्ट फाइट जिसमें आप 7 जीते वो 6 जीते। अब 50 ऐसी सीटें हैं, और कई विश्लेषकों का कहना है ये बहुत ही अहम बन सकती है, ये 50 सीटें डिसाइड करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, आप बनाम शिवसेना। वो तो लोकसभा में लोगों ने दिखा दिया है, वो तो इवन था, 7-6 था, आप थोड़ा आगे थे। हाँ तो थोड़ा आगे, 42% और हमारा 48% स्ट्राइक रेट, वोट शेयर हमारे पास ज्यादा है, 19 में से 13% हमारे पास आया, उनके पास वोट बैंक अभी कांग्रेस का है, कांग्रेस का वोट बैंक है। हाँ आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं कांग्रेस के वोट बैंक में, जो बेस वोटर है आज हमारे पास है, और इसीलिए कोंकण में एक भी सीट नहीं मिली, थाना में नहीं मिली, संभाजीनगर में तीसरे नंबर पे गए। सर अभी तो विधानसभा में दिखेगा। सर एक मैं जैसे महाराष्ट्र घूम रहा था, एक मुझे दुख हुआ कि कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हो गए हैं, अमरावती यवतमाल, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, बेरोजगारी बहुत है, युवा कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। आप मुंबई पुणे नासिक में देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में नहीं हो रहा है। ये एक तरह से रीजनल बैकवर्डनेस की बात कई सालों से हो रही है, ऐसा नहीं है कि पिछले 2.5 साल से। क्या आपके पास कोई एक योजना है जो जनता को कन्विंस कर सकती है, एकनाथ शिंदे एक बार फिर अगर की सरकार बनती है महाराष्ट्र डेवलप होगा, केवल मुंबई पुणे नासिक नहीं? अभी देखिए नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, कौन जाता था पहले नागपुर में, कौन जाता इंडस्ट्री बुलढाणा में, कौन सी इंडस्ट्री अमरावती में जाती? अभी अमरावती, बुलढाणा, संभाजीनगर, नागपुर सब जगह इंडस्ट्री जा रही। अमरावती में बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, ये एक रोड के वजह से। इसलिए हमारा प्लानिंग है डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करें, सब जगह रीजन डेवलप हो जाए, वही के वही लोगों को काम मिले, वही किसानों को फायदा हो, वैल्यू एडिशन हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, वहाँ लॉजिस्टिक पार्क हो, कोल्ड स्टोरेज की चेन हो, यहाँ पर इंडस्ट्री आए। तो ये जब कनेक्टिविटी होती है तब इंडस्ट्री नहीं, तो यही जो आप आज मुझे बातें कह रही है, क्या इसी से वो पहला सवाल जुड़ा है कि जब आपके बीजेपी के सहयोगी बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं या इस तरह वोट जिहाद की बात करते हैं, आपको लगता है ये गलत है, उन्होंने गलत संदेश दे रहे हैं, उन्होंने केवल विकास पर बात करनी चाहिए? देखिए एक होना ये गलत नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का। एमयूए एक होकर वोट करती है, वोट करने की अपील करती है, तो हम लोगों ने तो कितना काम किया है, ये काम के बलबूते पर एक होकर साथ आइए और वोट कीजिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए, तो इसमें क्या गुनाह है, क्या गलत है? ये अजीत पवार को आप कहिए, ये मुझे कहने से कोई, अजीत पवार कह रहे गलत है, ये यूपी में चलेगा, महाराष्ट्र में शाहू फुले अंबेडकर। अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार देखिए, ये अपील करना, वोट परसेंटेज बढ़ाना, उसमें कोई जाति पाति का नाम लिया है, कोई धर्म का नाम लिया है, कोई इसको कुछ कहा है? ओके सर ये बताइए, आप ही लोग सब इसको घुमाते हैं। अच्छा आप हम पर हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप ये अजीत पवार के साथ सॉर्ट आउट करिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार की बात आई, मुख्यमंत्री कौन? आपके यहाँ एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री इस समय है, सवाल उठेगा कि कौन वो चेहरा है,
क्योंकि मैं पोस्टर देखता हूं, आपका आपका चेहरा देखता हूं, मैं महाराष्ट्र घूमता हूं, आपका नाम बहुत लोग लेते हैं। एकनाथ शिंदे अगर महायुति की सरकार बनती है, फ्रंट रनर है कि नहीं चीफ मिनिस्टर के? अभी तो मैं मुख्यमंत्री हूं। फ्रंट रनर है कि नहीं चुनाव के बाद? अभी हम तो, हमारा फोकस क्या है अभी, हमारे में कोई रेस नहीं, कोई रेस नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। वहां लड़ाई है, वहां उनको पूछना चाहिए मेरा चेहरा बनाओ, मुझे बनाओ, दिल्ली से गली तक घूम रहे। नहीं, उद्धव ठाकरे कहते हैं मुझे कोई रुचि नहीं है अभी मंत्री बनने में। अभी अभी कह रहे, जब उनके दोनों सहयोगी ने कहा अभी नहीं होगा, तभी कहते हैं। पहले तो वही आगे आगे जा रहे हैं। और आपके आपके महायुति में सुना है आप और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोई स्पर्धा है? हमारा बिल्कुल नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं, कोई स्पर्धा नहीं। हमारा फोकस यही है महायुति को पूरे थंपिंग मेजोरिटी से फिर लाना। सर, हमें क्या मिला इससे, महाराष्ट्र को मिलेगा क्या मिलेगा? सर मैं ये इंटरव्यू जैसे मैं अंत करता हूं, मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि 4:11 हुए हैं, शाम के नहीं सुबह के। आप ये बताइए, ये आप सोते कब है? क्योंकि मैंने जब भी मैं आया हूं वर्षा पे, आप 12 के बाद रात को मिलते हैं और सोते हैं 3-4 घंटे। ये क्या है? एकनाथ शिंदे सोना, आप सोना इतना आपको अच्छा नहीं लगता? अरे आप लोग सोने नहीं देते। अरे आप हम पर अब डाल रहे हैं, आपने हमें इंटरव्यू दिया है 4 सुबह, आप पर अभी भी मैं देख रहा हूं जोश है। आप कल सुबह सूरत से और एक दौरे पर जा रहे हैं, ये क्या, ये पावर है क्या? ये पावर, एक जमाने में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक लेबरर, काउंसिलर बनता है, लेजिस्लेटर बनता है, मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, ये पावर कहां? ये केवल पावर की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे? ये बिल्कुल नहीं है। ये जो एनर्जी है, ये जो पावर है, ये जो टॉनिक है, ये पब्लिक से मुझे मिलती है। मैं पब्लिक का आदमी हूं, मैं जमीन से जुड़ा हूं। आज मुख्यमंत्री हूं लेकिन कार्यकर्ता बनकर काम करता हूं। ये उन्हीं की देन है, ये जनता का आशीर्वाद है। इसलिए मुझे ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, और लोगों के बीच में जाकर मैं काम भी करता हूं। देखेंगे या 23 को क्या होता है एकनाथ शिंदे जी। लेकिन एक करिए, अगली बार जब हम इंटरव्यू करेंगे ना, 4:11 सुबह मत कीजिए, 4:11 AM। और एक समय हम पीएम को करेंगे। आप 4:11 को पीएम, 4:11 PM, 4:11 PM चलेगा, 4:11 AM में दिक्कत होती है। लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट, कौन जाने क्या होगा, लेकिन आप कह रहे हैं आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि महायुति की ही सरकार बनेगी, त्रिशंकु नहीं होगी, मवा नहीं आएगी। पूरी तरह मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, और लोगों ने तय कर लिया है 20 का इंतजार कर रहे महायुति की सरकार को लाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जी को मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा आप आइए 23 यहां मिठाई की दुकान होगी मातोश्री में। अब वो कैमरा है, उस कैमरा में बताइए उद्धव ठाकरे जी को क्या कहेंगे आप? वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बता बेचता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब ये अब वायरल हो जाएगा। चलिए एकनाथ शिंदे जी, आपने हमसे बात की, महाराष्ट्र माझावर आपण आपल्याशी बोलला, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड देखते हैं 23 को किसकी जीत होती है और किसकी हार, और कौन बेगाना होता है अब्दुल्ला दीवाना। जीत महायुति की, जीत महायुति की, चलिए जीत महायुति की, देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच एकनाथ शिंदे जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, हियर ऑन महाराष्ट्र माझा।